हेलो गाइस, मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग लखनऊ में स्थित दिलकुशा कोठी का व्यू देखेंगे। यह सामने स्क्रीन पर दिलकुशा कोठी दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी पुरानी कोठी है और अंग्रेज के समय में 1857 की क्रांति में इस पर काफ़ी बमबारी हुई थी घेराबंदी करके, पर इस कोठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह दाहिने साइड की कोठी और यह बाहिने साइड की है, इसमें शायद इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, थोड़े देखते हैं। शायद यह मेन गेट है, कोठी का फ्रंट है। इधर का मेन गेट पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा और आगे चल। इसमें दो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, एक सामने है जिसका मेन गेट इधर है और यह एक और कोठी है। बीच में एक हाल नुमा टाइप है, शायद इसमें मीटिंग वगैरह होते होंगे। उनके समय में दीवारें काफ़ी मोटी मोटी हैं और फर्श भी जो है ईंट का बना हुआ है, और इधर एक ये कॉलम वगैरह बना है। इसमें समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या होता होगा। और आपको दाहिने साइड में एक कब्र दिखाई दे रही है, जिस पर वो ईसाई धर्म का लोगो लगा हुआ है, और इधर ये सब पार्क है और उस इधर भी पार्क है। चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं और ये सामने वाली कोठी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है, खुला हुआ, शायद ये बन रहा होगा। चलते हैं आगे कब्र की तरफ, हम चलते हैं थोड़ा। देखिए यह कोठी है, इसकी नींव की हाइट है और यह किसी का कब्र है, इस पर नाम तो नहीं लिखा है और यह ईसाई धर्म का लोगो लगा हुआ है। उनके कब्र पे ऐसे ही लोगो लगा रहता है। यह 1857 की क्रांति के समय बना हुआ है, नए मॉडल में बना हुआ है पुराने समय की यह कोठी। देखिए